सर्च मी ऑन YouTube बाय टाइपिंग प्योर डायरी, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तुम्हारे मोबाइल की घंटी बजे। अस्सलाम वालेकुम माय YouTube फैमिली, उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। बकरा ईद की आमद आमद है और ईद उल अज़हा बस नज़दीक ही है, तो लोग जो कुर्बानी करते हैं सबसे पहले अपने घर में कलेजी बनाते हैं। आज कलेजी की रेसिपी लेकर हाजिर हुई आपकी खिदमत में, और कुछ लोग इस पर फातिहा वगैरह ख़त्म दुरूद वगैरह भी करवाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। यहाँ पर मैंने हाफ के जी अनियन ले लिया है, इसको फ्राई कर रही हूँ कुकिंग ऑयल में डालकर, और हाफ के जी मेरे पास कलेजी है। ये कलेजी मटन चिकन वगैरह सब में बन सकती है, बीफ में भी। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन ले लिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और मैं उसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। देख लीजिए इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से आपने पेस्ट बना लेना है। यहाँ पर इसमें मसाला जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो हैं कुटी हुई मिर्चें 2 खाने के चम्मच, हल्दी 1 खाने का चम्मच, और नमक अपने हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये नमक बिल्कुल वो जो नॉर्मल नमक आयोडाइज नमक नहीं है, बिल्कुल जो नॉर्मल मिलता है खुला वो नमक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब हमारी अनियन फ्राई हो चुकी हैं, गोल्डन ब्राउन हो गई हैं इस तरह से, देख लीजिए, उसके बाद ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर अपने कलेजी के पीसेस को। जी हाँ, कलेजी जो है यहाँ पर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही इसमें ऐड कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। काफ़ी लोग जो घर में, जैसे कि मैंने पहले बताया, कुर्बानी जिनके घरों में होती है वो पहले कलेजी वगैरह बनाते हैं, भूनते हैं, फ्राई करते हैं, उसी से नाश्ता करते हैं। और यहाँ पर कलेजी का पानी भी ड्राई हो गया था इस तरह, और कलेजी का कलर भी चेंज हो गया था। ये बिल्कुल ईजी टू कुक रेसिपी है। अब इसके अंदर मैं ऐड करेंगे 2 लेमन जूस। लेमन का जूस आप इसमें ज़रूर डालिएगा, क्योंकि जो हल्की सी जो कलेजी की स्मेल सी होती है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो कलेजी को अच्छी तरीके से धो के छनी में रख दिया था ताकि सारा एक्सेस वाटर निकल जाए। अब इसको इतना भून लिया कि सारा का सारा जो पानी था वो ड्राई हो गया। यहाँ पर 1/2 kg ही टोमेटोज़ मैंने लिए थे, और ये जितने भी इन्ग्रीडियंट्स मैंने आपको मसाले बताए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें इस तरह से, और ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत इजी टू कुक रेसिपी है, मिनट्स के अंदर भी ये रेडी हो जाती है। चलिए आते हैं गार्निशिंग पर। गार्निशिंग के लिए यहाँ पर ले ली है अदरक जूलियन कट में, 2 से 3 खाने के चम्मच भर के हरा धनिया, और 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट ली। अब ये देखिएगा, टमाटर वगैरह सॉफ्ट होने के बाद, बिल्कुल घुलने के बाद ये इसका फाइनल लुक है कलेजी का। अब इसको करेंगे हम डिश आउट। ये देखिए कितनी अच्छी और लजीज बनेगी, बहुत मज़े की बनती है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा बकरा ईद पर, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी बनी। चलिए डिश आउट करने के बाद ये देखिएगा, इसमें मैंने डाला है हरा धनिया नहीं, ये सब्ज़ मिर्चें हैं। अब ये हरा धनिया गया इसके अंदर, और थोड़ा सा इसके अंदर हम घर का बना हुआ पिसा हुआ घर का होममेड फ्रेश था इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, और साथ ही इसके ऊपर ऐड करेंगे जूलियन कट की हुई अदरक इस तरह से। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी बहुत मज़े की बनती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हैप्पी ईद उल अज़हा, बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।